हेलो भगवान, मेरा नाम है गोपाल सुमानी और आज ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ओके, अब आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। टोटल असेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये होती है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। अब इस टोटल एसेट में हम कुछ एसेट शामिल नहीं करते हैं, तो कौन से नहीं करते? उसमें सबसे पहला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लास्ट वीडियो हमने देखा था, जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पे अगर हमें कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें हम टोटल एसेट में काउंट नहीं करते, तो वो हमें एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा कोई भी लॉसेस होते हैं, लाइक कोई अगर पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो हमें एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो टोटल एसेट में हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करना है, कोई भी लॉस वगैरह है तो हमें एक्सक्लूड कर देना है, और जो असेट की वैल्यू है वो वैल्यू हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेनी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिवैल्यूएशन कॉस्ट, रिवैल्यूड कॉस्ट। अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी उनकी असेट की रिप्लेसमेंट वैल्यू दे रखी है या कोई रिवैल्यूड अमाउंट दे रखी है तो हमें वो अमाउंट लेनी है। बट और असेट की टोटल हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करने, और अगर कोई लॉस होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीएनएल का डेबिट बैलेंस, वो हमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, अब बाकी ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब शेयर कैपिटल इनसाइड होती है, इंटरनल होती है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। तो ऑल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, कोई भी लोन हुआ, वो सब हमें यहाँ पे डिडक्ट करने हैं। ठीक है, अगर कोई डिविडेंड पेबल होता है या प्रपोज डिविडेंड होता है, जनरली प्रपोज डिविडेंड अब एज पर नए अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग वो आता नहीं है बैलेंस शीट में, बट अगर कोई डिविडेंड पेबल होता है वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमें लेस नहीं करना है। तो टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी वो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी दो तरीके से मतलब जनरली यूज आती है क्वेश्चन में, एक तो होता है क्लोजिंग और एक होता है एवरेज, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी हमें बैलेंस शीट दे रखी होगी उसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई टू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, वो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी होती है, जिससे हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं, बट हमें फिर भी एवरेज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होती है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका आधा हिस्सा जब हम क्लोजिंग कैपिटल में से घटा देंगे, दैट विल बी आवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक बार वापस मैं सब एक बता देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल असेट, असेट की वैल्यूज रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पे, बट उन असेट में हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करने हैं, कोई भी लॉसेस होते हैं वो शामिल नहीं करने हैं। माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जो भी आउटसाइडर के लिए, मतलब शेयर कैपिटल इंटरनल होती है वो शामिल नहीं करने हैं, अगर डिविडेंड पेबल होता है वो इंटरनल होता है वो शामिल नहीं करना है, फिर भी आउटसाइडर्स को ड्यू है वो शामिल कर लेंगे, तो वो लेस करने में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। और वो जनरली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है क्योंकि हम बैलेंस शीट में से ये कैलकुलेट करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल ये हो जाएगी। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वैसे ही हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करेंगे, और
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है हमारे पास तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट, ओके हाफ ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जो भी करंट ईयर प्रॉफिट है उसका हाफ हम माइनस कर देंगे तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पे स्टार्ट करने वाले मैं एक बार आपको नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो बता देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। एनआरआर मींस होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर दिया हुआ या तो डायरेक्टली दिया हुआ होगा वरना हमें दिया हुआ होगा रिस्क फ्री रेट और उस बिजनेस स्पेसिफिक प्रीमियम दिया हुआ होगा, प्रीमियम रेट। तो हमें रिस्क फ्री रेट और जो बिजनेस स्पेसिफिक रेट होती है दोनों को ऐड करके जो भी रेट होगी वो हमारी एनआरआर होगी। तो एनआरआर के लिए स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन नहीं दी हुई होती है, जनरली क्वेश्चन में पूछा नहीं होता है, एनआरआर डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये पर्टिकुलर इतनी अमाउंट की अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो जनरली बिजनेस को कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स इसका फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब बिजनेस कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट से हमें क्या पता चलता है कि एक नॉर्मल बिजनेस में जिसमें इतनी कैपिटल लगी भी है उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए नॉर्मली। सुपर प्रॉफिट बताता है हमारा बिजनेस हमें कितना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो रहा है और उस बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो जितना एक्स्ट्रा है वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। मतलब किसी बिजनेस में सपोज नॉर्मल प्रॉफिट है 100 और वो बिजनेस अर्न कर रहा है 120 प्रॉफिट, वो उसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, तो मतलब 20 रुपए का उसका सुपर प्रॉफिट है। तो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट हमने लास्ट डिस्कस कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कैलकुलेशन बता दी, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको एक बार मेथड्स बता दूंगा उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बताऊंगा। तो बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन एक और चीज, तो मैंने जैसे आपको बताया है बैलेंस शीट दे रखी होगी आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, डिबेंचर्स होंगे या प्रॉफिट्स होंगे और क्रेडिटर्स हो गए होंगे, ओके इधर होगी एसेट्स और सपोज एग्जिस्टिंग गुडविल है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कैश। तो हमें क्या लेना है, ऑल द एसेट्स, ऑल द एसेट में हमें क्या क्या शामिल नहीं करना है, गुडविल शामिल नहीं करनी, प्रीमियम एक्सपेंस शामिल नहीं करनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करने, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, और ये वैल्यूज हमें क्या लेनी है, ये वैल्यू हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिवैल्यूएट अमाउंट जो भी है उस पर ले रखी है लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्या अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी है, असेट की सारी वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो दूसरा मेथड होता है कि हम ये लें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस पी एंड एल रिजर्व वगैरह जो भी है उनमें से माइनस कर दें, ये जो भी हमें एक्सक्लूड करने इस साइड जो भी, अगर इधर गुडविल है तो माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो माइनस कर दो। तो दो तरह की अप्रोच होती है, टोटल ऑफ ऑल द एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल वाला हिस्सा ले लो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड करके माइनस इधर से जो भी हमें इंक्लूड नहीं करने थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, प्रीमियम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम ये वाली अप्रोच ले लो, एसेट माइनस लायबिलिटी या कैपिटल रिजर्व माइनस जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो भी इधर से डिडक्ट करने की चीजें हैं वो। तो इस तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें डिबेंचर वगैरह भी इंक्लूड करने होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल होता है एक टॉपिक जो आगे आने वाले वीडियो में लूंगा, तो वो वाला कंसेप्ट मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपल यही है, ऑल असेट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन चीजों को एक्सक्लूड करके माइनस लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज या टोटल ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व माइनस इन सब को, इन सब मतलब जो भी हम इंक्लूड नहीं करते गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रीमियम एक्सपेंसेस वो सब हमें लेस करने हैं इनकी टोटल में से, इन तीनों की रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पी एंड एल टर्म लोन कैश क्रेडिट ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स लैंड प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल कैश टोटल है। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है पी एंड एल और जनरल रिजर्व का, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना है, टोटल ऑफ ऑल द असेट्स, टोटल ऑफ ऑल द असेट 22380, बट इसमें हमें क्या शामिल नहीं करना है, इसमें हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रीमियम एक्सपेंसेस या कोई भी इस तरह के फिक्टिशियस असेट होती है वो शामिल नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फिक्टिशियस असेट तो है नहीं, बस यही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो हम शामिल नहीं करेंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे 200। तो ये हमारे ऑल असेट, यहाँ हमें कोई रिवैल्यूड प्राइस नहीं दे रखा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ नहीं दे रखी, तो ये हम कॉस्ट ले लेंगे जो दे रखी है, तो 22180 माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या क्या है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रेड पेबल कैश क्रेडिट टर्म लोन, सो 4500 560 200 100 0 6 5360 ये लेस हो जाएगा। ये हमारी, ये हमारी 31/3 को हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, और अगर हम दूसरा वाला मेथड देखें जिसमें हम इक्विटी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा इक्विटी से कैपिटल है 9000, प्रेफरेंस कैपिटल है 2000, जनरल रिजर्व है 3020 और पी एंड एल है 3000, सो टोटल हुआ 9, 11, 18, 14, 17, 20। अब इसमें से हमें क्या डिडक्ट करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे कितने हैं 200, तो 0286, तो ये हमारी सेम आएंगी। तो इस मेथड से कैलकुलेट करो ऑल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या इस मेथड से कैलकुलेट करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से हमने अपनी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की है। अगर अब हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, बट ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो यहां हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पी एंड एल का इतना ओपनिंग बैलेंस था, जनरल रिजर्व का इतना ओपनिंग बैलेंस था, तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब करंट ईयर का प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस था 450, क्लोजिंग बैलेंस है 3020, तो इस साल पी एंड एल से कितना ट्रांसफर किया गया, तो 3020 माइनस 450 0 7 5
2,570 ये पीएनएल से ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो अगर अपन पीएनएल देखें तो पीएनएल में हमारा ओपनिंग बैलेंस था 480 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 3000 और ट्रांसफर टू जनरल लेजर था 2570। सो 5570 माइनस 480, 5570 मतलब 480 5090 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो हमारे क्लोजिंग कैपिटल है 16820 माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट है 5090 तो वो कितना हुआ 2545। तो जब इसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड की, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कब एवरेज कैपिटल यूज करनी है, कब क्लोजिंग कैपिटल, तो जब मैं आपको मेथड बताऊंगा अलग अलग मेथड की कैलकुलेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फॉर्मूला हमें हर मेथड में लगाना है। ओके, तो अभी आपका ये कंप्लीट हो गया कि एफएमपी कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इन मेथड में क्या क्या फॉर्मूला और किस तरह से कैलकुलेट करना है, और एक और वीडियो होगा जिसमें हम लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल वो हम देखेंगे। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करें, और आपको कोई भी डाउट है तो पूछें, कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।